हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2, जिसमें हम 5-डिजिट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हमने पढ़ा नंबर्स क्या है, डिजिट्स क्या है और हम कैसे इनको पहचान सकते हैं। इसमें हम 4-डिजिट नंबर्स पढ़ेंगे। अब सबसे ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर जो है आपका है 9999, जो कि 9999 है। ठीक है, अब इसको हम स्पेलिंग्स में लिखते हैं 9999। अब व्हाट कम्स आफ्टर 9999, ये हमें इस वीडियो में पढ़ना है, जो कि हमारा 5-डिजिट नंबर आएगा। अगर हम 9999 को एक के साथ ऐड करेंगे, इफ वी एड द नंबर 1 टू 9999, देन व्हाट डू वी गेट। अब देखिए, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस, इसके नीचे आप 9999 को लिखेंगे, फिर आप 1 ऐड करेंगे, जो कि आप 1 के प्लेस में लिखेंगे 9 के नीचे, और ऐड करेंगे इस नंबर 9999 प्लस 1 को। जो भी आपको आंसर आएगा वो है 10,000। ठीक है, अब 10,000 आया तो इसमें कितने डिजिट से गिनिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये 5-डिजिट नंबर हो गया, तो थाउजेंड्स के प्लेस के बाद हमारा 10,000 आएगा, जिसको हम डिनोट करते हैं टी टी एच। टी मतलब 10 एंड टी एच मतलब 1,000, सो 10,000। सो अब 5-डिजिट नंबर्स में हमारे कैसे आ जाएंगे, टी टी एच 10,000, टी एच 1,000, एच 100, टी 10s एंड ओ 1s। इस हिसाब से हम सारे नंबर्स को लिखेंगे और पढ़ेंगे। सो दिस नंबर इज रेड एज 10,000। इट इज द स्मॉलेस्ट 5-डिजिट नंबर। और इसको अबाकस में हम कैसे दिखाएंगे, दिस इज योर अबाकस, इन दिस वन वन बीड ऑन 10,000 एंड बाकी के 4 जीरोज है, तो हम कोई भी बीड नहीं लगाएंगे। अब हम पढ़ेंगे पीरियड्स के बारे में। इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट में जो नंबर्स है वो दो कॉलम में डिवाइड होते हैं। इन दो कॉलम्स को हम बोलते हैं पीरियड्स। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट देखिए, ये आपका प्लेस वैल्यू चार्ट कहलाता है, जिसमें हम डिवाइड करते हैं इनटू टू पीरियड्स। एक है आपका थाउजेंड्स वाला पीरियड और दूसरा है वंस वाला पीरियड। अब वंस वाले पीरियड के नीचे आएंगे आपके वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, एंड थाउजेंड्स वाले पीरियड के नीचे आता है आपका थाउजेंड एंड 10,000। ठीक है, और नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं, 10,000 मतलब 1 एंड 4 जीरोस, 1,000 मतलब 1 एंड 3 जीरोस, एंड 100 मतलब 1 एंड 2 जीरोस, 10 मींस 1 एंड 1 जीरो, एंड वंस में 1 ही आता है। अब हम 10,000 के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, टी टी एच। अब जब हम एक 5-डिजिट नंबर विदाउट यूजिंग अ चार्ट लिखते हैं, तो वी यूज अ कॉमा टू सेपरेट द वंस पीरियड फ्रॉम द थाउजेंड्स पीरियड। वंस पीरियड के नीचे क्या क्या आता है बच्चों, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, एंड थाउजेंड्स पीरियड के नीचे क्या आता है बच्चों, थाउजेंड्स एंड 10,000। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, द नंबर इज 7,6318, 7,6318। अब 7,6318 में आप गिनिए कितने डिजिट से, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट से। तो जहां पर भी 5 डिजिट आता है हम क्या लिखते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड एक पीरियड में, और उसके बाद थाउजेंड एंड 10,000 दूसरे पीरियड में, और उसके नीचे हम ये नंबर्स डाल देते हैं 76,318। तो 76,000, 7 अंडर 10,000, 6 अंडर 1,000, 300 मतलब 3 अंडर 100, एंड 18 मतलब 10 tens and 8 ones। ठीक है, तो इस हिसाब से आप उनको प्लेस करेंगे। अब 5-डिजिट नंबर्स में आप कॉमा कहाँ पे डालेंगे, लेफ्ट साइड से पहले दो नंबर को छोड़ के, दैट मींस थाउजेंड्स वाले पीरियड के बाद आप कॉमा लगा के डिजिट्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ अ डिजिट अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस इन अ प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल में जो डिजिट का वैल्यू है वो कहलाता है प्लेस वैल्यू टेबल।
प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर, ठीक है। फाइव डिजिट नंबर है फाइव प्लेसेस। अब देखिए एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, 4, 3, 7, 6, 2, हाउ मेनी डिजिट आर देयर स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5। सो दिस इज अ फाइव डिजिट नंबर। जहां पर भी फाइव डिजिट नंबर आता है वहां पर हम क्या समझते हैं कि उसमें दो पीरियड्स है, ठीक है, एक आपका वंस पीरियड और दूसरा आपका थाउजेंड्स पीरियड। तो ये जो पहले के तीन नंबर्स 2, 6 एंड 7 आते हैं आपके वंस पीरियड में, जहां पर 2 आपका वंस में आता है, 6 टेंस में आता है, 7 हंड्रेड्स में आता है, और यहाँ पर लेफ्ट से जो दो नंबर है 4 एंड 3 वो आते हैं आपके थाउजेंड्स वाले पीरियड में, जहां पर 4 आता है आपका 10,000 में और 3 आता है आपका थाउजेंड्स में। अब हम इनको कैसे प्लेस, कौन से प्लेस में डालेंगे, ठीक है, वो हमें बतलाएगा हमारा प्लेस वैल्यू। अब देखिए 43,000, 43,000, दैट मीन्स 10,000 कितने हैं, 4 है, ठीक है, 4 into 10,000 इज 40,000। फिर आता है हमारा 3,000, तो 3 into 1,000 इज 3,000। फिर 700, मतलब 7 into 100 इज 100, एंड 6 into 10 इज 60, एंड 2 into 1 इज 2। So, हमारा प्लेस वैल्यू क्या हो जाता है, हमारा प्लेस वैल्यू यहाँ पर, अगर यहाँ पर 43,762 में 4 का प्लेस वैल्यू पूछा गया है तो आप लिखेंगे 4,000। अगर 43,762 में 2 का प्लेस वैल्यू पूछा गया है तो आप लिखेंगे 2। अगर 43,762 नंबर में आपको 7 का प्लेस वैल्यू पूछा गया है तो आप लिखेंगे 700, ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो, ये जो आपका 4 है ना, ये आपका आता है 10,000 के नीचे, ठीक है, 3 आता है आपका थाउजेंड्स के नीचे, 7 आता है आपका हंड्रेड्स के नीचे, 6 आता है टेंस के नीचे, एंड 2 आता है वंस के नीचे। सो उस हिसाब से आप 4 को, अगर 4 का प्लेस वैल्यू पूछा गया है तो 4 times 1,000, 40,000। अगर 3 का पूछा गया है तो 3 into 1,000, 3,000। 7 का पूछा गया है प्लेस वैल्यू, तो 7 हंड्रेड्स के नीचे आता है, तो कितने बार 100, 7 times 100, सो द प्लेस वैल्यू इज 700। 6 का पूछा गया है प्लेस वैल्यू, तो 6 times 10, सो आंसर इज 60। ओके, सो दैट इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस। अब हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू क्या है। Face value of a digit in the number is a digit itself. In this number 43,762 में अगर आपको पूछा गया कि face value of 4 क्या है इस number में, तो face value of 4 is 4 only. What is the face value of the number 2? It is 2. What is the face value of the number 7 in this number? Of the digit 7 in this number? It is 7. तो इस हिसाब से अब place value means कौन से प्लेस में वो आ रहा है, फेस वैल्यू मतलब जो डिजिट है वही है, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। नाउ पुट अ कॉमा इन द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट देम अंडर अप्रोप्रिएट पीरियड्स, ठीक है, हमें ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनमें कॉमास डालना है और अप्रोप्रिएट पीरियड्स में डालना है। अब हम देखेंगे ये कि ये जो सारे ए बी सी डी ई एफ नंबर्स है, जो 6 नंबर्स है, ये ध्यान से देखें, ये कितने डिजिट वाले नंबर्स है, ये हमारे सारे 5 डिजिट वाले नंबर्स है, ठीक है। तो हम जब कॉमास डालते हैं 5 डिजिट नंबर्स में बच्चों, हम लेफ्ट साइड से देखेंगे, पहले दो नंबर्स के बाद एक कॉमा लगाते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड से जो पहले दो नंबर्स होते हैं वे कौन से पीरियड में आते हैं, वो थाउजेंड्स के पीरियड में आते हैं, और थाउजेंड्स के पीरियड में कितने चीज है, 10,000 है और 1,000 है। और फिर फाइव डिजिट नंबर का दूसरा पीरियड कौन सा है, वंस का पीरियड, जिसके नीचे आते हैं आपके हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस,
ठीक है, तो उस हिसाब से 12,003 का देखते हैं, 12,003 का आप प्लेस वैल्यू कैसे डालेंगे। 12,003, ध्यान से देखिए, पहले आप ये वाला चार्ट बनाएंगे, पीरियड्स थाउजेंड्स एंड वंस, क्योंकि हमें पता है कि 5 डिजिट नंबर में दो पीरियड्स है, थाउजेंड्स एंड वंस। फिर थाउजेंड्स में दो कॉलम्स बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लेस वैल्यू और यहाँ पे लिखेंगे 10,000 एंड थाउजेंड, और वंस के नीचे लिखेंगे एच टी एंड ओ। उसके बाद बहुत ही इजी हो जाता है कि आप 12,003 को उस डिजिट्स को उनके पीरियड्स के नीचे लगाएंगे। ठीक है, जैसे 1 आ गया आपका 10,000 के नीचे, 2 आ गया 1,000 के नीचे, 0 आ गया 100 के नीचे, फिर से 0 आ गया 10 के नीचे एंड 3 आ गया 1 के नीचे। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि 5 डिजिट नंबर में दो पीरियड्स है, एक है आपका 10,000 वाला और दूसरा यहाँ पे 1 वाला। 1,000 वाले में आते हैं आपका 10,000 एंड 1,000, एंड 1 वाले में आते हैं 100, 10 एंड 1। ठीक है, एंड कॉमा कहाँ पे लगाने हैं आपको बच्चों? आपको लेफ्ट से काउंट करके पहले दो डिजिट को छोड़ के कॉमा लगाना है। ठीक है, आंसर्स आपके लिए दिए गए हैं, आप खुद ट्राई करेंगे फिर देखेंगे। अब सेकंड वाला है फिल इन द ब्लैंक्स, द प्लेस वैल्यूज ऑफ वंस टेंस एंड हंड्रेड्स आर ग्रुप टुगेदर इन द वंस पीरियड, हमने पढ़ा है। अब द टू प्लेस वैल्यूज इन द थाउजेंड्स पीरियड्स आर 10,000 एंड 1,000। अब देखिए सी वाला, द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 3 इन 54,732 इज, किसका फेस वैल्यू मांगा हो, 3 का फेस वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो 3 का फेस वैल्यू 3 ही है। अगर इस क्वेश्चन में आपको प्लेस वैल्यू ऑफ 3 मांगा जाता तो आप क्या लिखते, आप लिखते 30, क्योंकि 3 जो है टेंस के नीचे आता है। ठीक है, अब डी देखेंगे, अ 5 डिजिट नंबर हैज हाउ मेनी प्लेस वैल्यूज, अ 5 डिजिट नंबर हैज 5 प्लेस वैल्यूज। अब डैश इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, कौन सा आपका सबसे छोटा 5 डिजिट वाला नंबर है, 10,000। ठीक है, क्योंकि उसके पहले क्या है, 9,999 जो कि 4 डिजिट नंबर है, और 10,000 के बाद कौन सा नंबर आता है, 10,001, जो कि हमारा ये बतलाता है कि 10,000 जो है हमारा सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर है। अब व्हाइल डैश इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर आपका कौन सा नंबर हो सकता है, कौन सा सबसे बड़ा डिजिट है, आपका 9 है। तो अगर हम 5 बार 9 लिखेंगे तो हमको सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ नंबर 3, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इन 65,400। प्लेस वैल्यू में मतलब हमें, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, एक पहला वाला आपको यहाँ पर 4 का प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप पहले गिनेंगे कितने डिजिट से, 1, 2, 3, 4, 5, फिर आप लिखेंगे, क्योंकि ये 5 डिजिट नंबर है तो हमारा पीरियड्स कितने हैं, 5 है, जिसमें कि थाउजेंड्स पीरियड में आते हैं 10,000 एंड 1,000। ठीक है, उसके बाद आपका आता है हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इसमें पहला डिजिट 6 किसके नीचे आता है, 10,000 के नीचे, 5 किसके नीचे आ रहा है, थाउजेंड्स के नीचे, 4 किसके नीचे आ रहा है बच्चों, हंड्रेड्स के नीचे। तो हमारा प्लेस वैल्यू कित क्या हो जाता है, 4 times 100, दैट मीन्स 4 into 100, 400। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्लेस वैल्यू। अभी फेस वैल्यू क्या है, जो डिजिट दिख रहा है वही आपका डिजिट लिखेंगे आप फेस वैल्यू के नीचे। सो व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 4 इन 65,400, इट इज द डिजिट इटसेल्फ, दैट इज इट इज नंबर 4 ओनली। दूसरा वाला बी देखेंगे, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 24,532, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 5 भी जो है हंड्रेड्स के नीचे आता है, सो 5 times 100 इज 500 इज द प्लेस वैल्यू, एंड व्हाट इज द फेस वैल्यू, इट इज द नंबर 5 ओनली। अब What is the place value of 7 in 48,871? 7 जो डिजिट है वो बच्चों कौन से कॉलम के नीचे आ रहा है, आपका टेंस के नीचे आ रहा है, सो 7 बार 10 मतलब 70, सो 70 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 48,871, और फेस वैल्यू क्या है, वही डिजिट 7 है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, वैसे ही आप डी ई और एफ करेंगे। अब रीडिंग एंड राइटिंग 5 डिजिट नंबर्स, हम 5 डिजिट नंबर्स को कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं,
अब देखिए, वी रीड अ फाइव डिजिट नंबर एज 23165 को कैसे पढ़ेंगे, 23,165, क्योंकि मैंने क्या पढ़ाया था बच्चों आपको कि जब भी हम पांच डिजिट नंबर को लिखेंगे तो हम उनको दो पीरियड में डिवाइड करेंगे, एक थाउजेंड्स वाला पीरियड और एक वंस वाला पीरियड। थाउजेंड्स वाले पीरियड में आपके आते हैं 2, 10,000 एंड 1,000, सो 23,000 हो गया, 23,000। एंड ये दूसरे पीरियड में आता है आपका 165, ठीक है, तो उसका नंबर नेम हम लिखेंगे, स्पेलिंग लिखेंगे ऐसे 23,165। नाउ इन अ फाइव डिजिट नंबर द फर्स्ट टू डिजिट्स एंड द लास्ट थ्री डिजिट्स आर एड टुगेदर, पहले के दो डिजिट्स हम एक साथ पढ़ते हैं और बाकी लास्ट के तीन एक साथ पढ़ते हैं, इसीलिए हम इसको 23,000 बोलते हैं एंड 165 बोलते हैं, ठीक है। अब इसको एबाकस में कैसे दिखाएंगे, ये देखिए जो भी नंबर है एबाकस पे उतने डिजिट्स को आप दिखाएंगे डॉट्स लगा के। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 1.3। राइट द न्यूमरल फॉर द गिवन नंबर नेम एंड रिप्रेजेंट देम ऑन द एबाकस बाय ड्राइंग बीट्स। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको एक नंबर नेम दिया गया है, देखिए 20,300 स्पेलिंग दिया गया है, आपको इसके डिजिट्स लिखने हैं और एबाकस में, ये जो एबाकस कहलाता है, इसमें ड्रॉ करके दिखाना है। सो 20,300 एबाकस देखिए, टी टी एच इज 10,000, फिर टी एच इज 1,000, एच इज 100, T is 10 and O is 1। अब यहाँ पर हमें दिखाना है 20,000, 20,300। 20,000 कैसे दिखाएंगे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, TTH के नीचे लिखेंगे 2, 1,000 के नीचे लिखेंगे 0, 100 के नीचे लिखेंगे 3 एंड 10s के नीचे लिखेंगे 0 एंड 1s के नीचे भी लिखेंगे 0, क्योंकि 20,300 है। ओके, 20,300, सॉरी आई हैव एडेड एन एक्स्ट्रा जीरो हियर, इट इज 20,300। अब 20 लिखने के बाद हम एक कॉमा देते हैं, ठीक है। अब बी वाला देखेंगे, 43,197, आप पहले लिखेंगे 43,000, हम ऐसे बोलते पढ़ते हैं ना, 43,000 कॉमा 197, जो भी हमको स्पेलिंग दिया गया है उसी हिसाब से हम लिखेंगे। अब पहला वाला ए में देखिए 20,300 जो है, तो 10,000 में आप एबाकस में भी रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर कितने डॉट्स लगाएंगे आप, 10,000 के नीचे 2, 1,000 के नीचे कितना बीट्स लगाएंगे, कोई भी नहीं, क्योंकि थाउजेंड्स के प्लेस में जीरो है, हंड्रेड्स में क्या है, थ्री है, तो तीन डॉट्स बीट्स लगाएंगे, टेंस के प्लेस में फिर से हमारा जीरो आया, नो बीट, फिर से वंस के प्लेस में भी जीरो आया तो नो बीट्स। वैसे ही यहाँ पर बी वाला देखेंगे, 10,000 के नीचे हमारा 4, सो 4 बीट्स ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, थाउजेंड्स के जगह पे 3 है तो 3 बीट्स दिखाएंगे यहाँ पे, हंड्रेड्स के जगह पे 1 है तो 1 बीट, टेंस के जगह पे 9 है तो 9 बीट्स एंड वंस के जगह में 7 है तो 7 बीट्स, ठीक है। ऐसे ही हम बाकी के भी करेंगे। इट हैज ऑल बीन सॉल्व फॉर यू, आप पहले खुद ट्राई करेंगे, मैं दो दो आपको समझा रही हूँ, क्योंकि अगर सब बैठ के समझाए तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं दो तीन समझा रही हूँ डिटेल में, बाकी आप खुद करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड वाला करेंगे, काउंट द बीड्स ऑन द एबाकस, ये जो एबाकस है उसमें कुछ बीड्स ड्रॉ किए हैं, हमें उनको काउंट करना है एंड फिल इन द डिजिट्स इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड, बॉक्स जो प्रोवाइड किया है नीचे उसमें लिखेंगे, गिनेंगे और लिखेंगे और उसका स्पेलिंग भी लिखेंगे, नंबर नेम मतलब स्पेलिंग लिखना है। सो ये आप काउंट करके डिजिट्स लिखेंगे, फिर इसको कैसे पढ़ते हैं, 78395 को कैसे पढ़ेंगे, फाइव डिजिट नंबर है मतलब 10,000 है तो 78,395, हम पहले दो डिजिट्स को एक साथ पढ़ते हैं इसीलिए 78 पढ़ते हैं, ठीक है, और बाकी तीन को एक साथ पढ़ते हैं सो 395, ठीक है। हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं 783.95, ऐसे नहीं पढ़ते हैं, हम 78 पहले के दो डिजिट्स को पढ़ते हैं फिर बाद के तीन को एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे ही दूसरा वाला देखिए, आप गिनेंगे और ड्रॉ करेंगे उसके बाद हम कैसे पढ़ेंगे उसको, पहले के दो डिजिट्स क्या है 8 एंड 1, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे 81,000, फिर बाकी के तीन को एक साथ पढ़ेंगे 565, ठीक है। वैसे ही सी वाला को कैसे पढ़ेंगे, 2 एंड 7 दोनों को एक साथ पढ़ेंगे 27,899, ठीक है। अब नंबर 3 देखेंगे, राइट द न्यूमरल्स फॉर द गिवन
नंबर नेम्स हमको स्पेलिंग्स दिया गया है, हमें उनका डिजिट्स लिखना है. 20,002, 20,002 मतलब आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप पहले टी टी एच लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद 1,000 लिखेंगे, फिर 100 लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे एंड फिर वंस लिखेंगे, सॉरी उसके नीचे आप ये जो डिजिट है 20,002, अब यहां पर आप देख सकते हैं हमने क्या किया. Now, when you represent it like this, you will see that under TTH, you will write 2, under 1000, you will write 0, under hundreds, you will write 0, under tens, you will write 0, and under ones, you will write 2. Aise likhte hum apna 5 digit numbers. Theek hai? Similarly, हम इसको भी डिनोट करेंगे. इसको हम कैसे लिखेंगे, फोर कहाँ पे आएगा आपका, फोर आपका आएगा टी टी एच में, ठीक है, फोर आएगा आपका टी टी एच में, फाइव आएगा आपका थाउजेंड्स में, जीरो हंड्रेड्स में, फाइव टेन्स में और जीरो वन्स में, इस हिसाब से आप लिखेंगे. राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग न्यूमरल्स. अब देखिए 19,283, अब जहां पर आपको दिया गया है यहाँ पे 19,000, एक्चुअली आपको नंबर दिया गया है 19,283, ठीक है, और आपको बोला गया है कि इसका नंबर नेम लिखिए, ठीक है. अब आप पहला चीज आप क्या करेंगे, आप गिनेंगे कितने डिजिट से, कितने डिजिट से, 1, 2, 3 फोर एंड फाइव डिजिट्स. जहां पर भी आपके फाइव डिजिट्स नंबर आते हैं, आप पहले दो डिजिट्स लेफ्ट से एक साथ पढ़ते हैं और बाकी के तीन एक साथ पढ़ते हैं. तो आप नंबर नेम कैसे लिखेंगे, 19 पढ़ेंगे इसको, पहले दो डिजिट्स को एक साथ पढ़ते हैं ना बच्चों, सो 19,283. ये 19,000 क्यों है, क्योंकि हमारा जो फाइव डिजिट नंबर है उसके पहले दो डिजिट्स को एक पीरियड में डालते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट पीरियड है, और बाकी के तीन डिजिट्स को हम दूसरे पीरियड में डालते हैं, जो कि हमारा वंस वाला पीरियड है, ठीक है. और हमारा थाउजेंड्स वाले पीरियड में कौन से दो नंबर्स आते हैं, 10,000 एंड 1,000, और इसमें क्या आता है, हंड्रेड्स, टेन्स एंड वंस, ठीक है. नाउ All the answers have been written for you. आप इसको ध्यान से खुद करेंगे, फिर आप चेक करेंगे answers. ठीक है, मैंने समझा दिया आपको कैसे करना है. नंबर फाइव देखेंगे, सर्कल द करेक्ट न्यूमरल्स फॉर ईच नंबर नेम. अब एक नंबर नेम स्पेलिंग दिया गया है और तीन डिजिट्स, तीन नंबर्स उसके साइड में दिया गया है, आपको सही से पढ़ के कौन सा सही नंबर है उसको सर्कल करना है, ठीक है. पहला वाला जो है ए, इट इज 90,008, 90,008. अब आप तीनों डिजिट्स को ध्यान से देखिए, हमने फाइव डिजिट नंबर्स में क्या बताया था कि लेफ्ट से पहले दो डिजिट्स जो है उनको एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है. सो तीनों डिजिट्स के पहले दो डिजिट्स को देखिए, तीनों नंबर के पहले दो डिजिट्स को देखिए, 90, 80 एंड 99. इन तीनों में कौन सा 90 है, पहला वाला 90 है, और फिर 8 आ रहा है, मतलब हंड्रेड्स में कुछ नहीं है, टेन्स में कुछ नहीं है, वंस में 8 है. तो हमें पहले नंबर में ही 90 मिल गया था, तो यही हमारा ठीक आंसर. लेकिन कंफर्म करने के लिए हम देखेंगे कि वंस प्लेस में हमारा 8 भी है और हंड्रेड्स एंड टेन्स प्लेस में 0,0 है, ठीक है. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. नाउ बी वाला देखेंगे, 15,045. अब देखिए, पहले दो पांच वाले नंबर, पांच डिजिट वाले नंबर्स ये तीनों ही हैं, और पहले के दो नंबर्स दोनों ही 15 है,
सो 15,000 तो हो गया, ये तो हमारा पहला चेक हुआ। उसके बाद है 45 और हंड्रेड्स कुछ नहीं है। सो आप देखेंगे कि लास्ट दो डिजिट्स 45 किस नंबर में है। पहला नंबर में तो लास्ट दो डिजिट्स 50 है, सेकंड वाले में 45 है और लास्ट में 40 है। तो आपका करेक्ट आंसर है ये वाला, सेकंड वाला इज योर करेक्ट आंसर। सी देखेंगे 70,043। ठीक है, पहले आप देखेंगे पांचों तीनों नंबर में पांच पांच डिजिट है, यस है। पहले के दो नंबर 70,000, 70, 70 एंड 70, तीनों में ही पहले दो नंबर्स 70 है। अब लास्ट के दो नंबर्स है 43, हंड्रेड प्लेस 0 है। तो लास्ट के दो नंबर्स में देखिए, लास्ट के दो नंबर्स पहले नंबर डिजिट्स पहले नंबर के दो है 30, सेकेंड नंबर के है 43 और लास्ट का है 3। ठीक है, सो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? ये वाला आपका करेक्ट आंसर हुआ। डी देखेंगे 11,906। अब पहला चेक क्या है, हम देखेंगे कि क्या ये सारे तीनों नंबर्स में पांच पांच डिजिट है। हाँ है। अब पहला वाला देखेंगे, क्योंकि हम दो पीरियड में डिवाइड करते हैं और पहला पीरियड में दो डिजिट्स आते हैं पहले लेफ्ट से, सो 11,000 है। तो क्या तीनों डिजिट्स में पहले दो डिजिट्स में 11 है? हाँ है। तो नेक्स्ट चेक हम क्या करेंगे, 906 किस में आता है देखेंगे। 906, ये पहला वाला तो है 960, तो ये नहीं है। दूसरा वाला है 609, ये भी नहीं है। तीसरा वाला जो है हमारा 906 है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ऐसे आप इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ये वीडियो खत्म होता है बच्चों। अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल ट्राई टू क्लियर इट। एंड प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज वीडियो विच विल बी कमिंग अप सून। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे पढ़ सकते हैं। जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को बच्चों, प्लीज शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी सीख सके। थैंक यू।